1971 के युद्ध के बाद शाबेक सिंह को जबलपुर में पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी कैंप का इंचार्ज बनाया गया। उसी कैंप में जनरल न्याजी और पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया था। एक बार जब शाबेक सिंह युद्धबंदी कैंप जा रहे थे तो उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह ने उनके साथ वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। प्रबल प्रताप सिंह बताते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी बैठे हुए थे। इतने में मेजर जनरल राव फरमान अली कमरे के अंदर से बाहर आए। आते ही उन्होंने मेरे पिता की तरफ देखा, गौर से देखा। न्याजी ने हंसकर कहा, इस बैरूकियों को नहीं पहचाना? फरमान अली बोले, नहीं, लेकिन लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा हुआ है। मेरे पिताजी ने अपनी पगड़ी उतार दी। फरमान अली ने कहा कि यू आर मिस्टर बेग। मेरे पिताजी ने अब अपनी पगड़ी पहनकर कहा कि आई एम जनरल शाबेक सिंह। उन्होंने कहा कि फिर मैंने फरमान अली से पूछा कि आपने इनसे इस लहजे में क्यों बात की? उन्होंने कहा कि यू नो योर फादर वाज वांटेड डेड और अलाइव फॉर 10 लाख रुपीज। प्रबल प्रताप सिंह आगे कहते हैं कि मैंने इनके ऊपर इनाम रखा था, जो पाकिस्तानी लोग थे, जो इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब न्याजी ट्रेन से पाकिस्तान वापस जा रहे थे तो उन्हें अपने पिता के साथ स्टेशन छोड़ने गया था। मैंने उन्हें एक मिठाई का डिब्बा और KL सैगल के 6 रिकॉर्ड पैक कर दिए थे। तो ही बाज वेरी टस्ट, उनसे दोस्ती सी हो गई थी। जनरल शाबेक सिंह नौकरी से बर्खास्त हो गए, क्या कारण था? इसके बाद उनकी उत्तर प्रदेश में बरेली में तैनाती हो गई। बरेली का इलाका काफ़ी बड़ा था, अंदर 2-3 ट्रेनिंग सेंटर आते हैं। वहाँ एक ऑडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताएँ या फिर करप्शन की कुछ सुराग मिले। जनरल शाबेक सिंह ने इसकी तरफ बिल्कुल तय तक जाने की कोशिश की, इसे ढूंढने की कोशिश की कौन जिम्मेदार है। इसी कोशिश में जो सेना के आला अधिकारी थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आई और पसंद नहीं आई और उन्होंने इनके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि जनरल शाबेक सिंह की रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले उन्हें बिना किसी मुकदमे या कोर्ट मार्शल के नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनकी पेंशन भी रोक दी गई। उन पर भ्रष्टाचार के तौर पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। ये भी आरोप लगा कि जबलपुर से स्थानांतरित होने पर उन्होंने भेंट में एक सिल्वर साल्वर स्वीकार की थी। उसका मूल्य 2500 रुपये था। उन पर अपना मकान बनवाने में और अपनी आय के स्रोत से कहीं अधिक धन लगाने का आरोप लगाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर किताब अमृतसर मिसेज गांधी लास्ट वेटल लिखने वाले सतीश जैकब बताते हैं, सरकार की इस कदम ने जनरल शाबेक सिंह को बहुत कट और सरकार विरोधी बना दिया था। उन्होंने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती भी दी थी। अदालत ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोप गलत पाए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सरकार के प्रति उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। तभी उन्होंने अपने मन की शांति के लिए धर्म का सहारा लिया और तभी वो जनरल भिंडरावाले से मिले और उनके प्रभाव में आ गए। ये थी कहानी पुरानी। अब इससे आगे कनेक्ट करते हैं ब्लू स्टार के साथ। जब जनरल शाबेक ने सतीश जैकब को डांटा तो भिंडरावाले को बहुत पहले से जानता था, क्योंकि मैं सतीश जैकब ने कहा कि उनका इंटरव्यू भिंडरावाले का इंटरव्यू में कई बार कर चुका था। भिंडरावाले अक्सर ज़मीन पर बैठा करते थे, उनके पीछे गांव एक तकिया लगा हुआ करता था। वे कहते थे कि एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था कि एक जगह पड़े पड़े मैं थक गया था, थोड़ा सा पैर वहाँ उनसे टच हो गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि जनरल भिंडरावाले नाराज हो जाएंगे। इस बात को उन्होंने सुन लिया तो जनरल भिंडरावाले हंसने लगे। इसका मतलब ये था कि वो
हमसे नाराज नहीं होते। अब बात करते हैं ब्लू स्टार के दिन की, उस टाइम की कैसे स्टार्ट हुआ। स्वर्ण मंदिर में व्यू रचना, मतलब जिस तरीके से क्या प्लानिंग होगी। भिंडरावाले के कहने पर जनरल शाबेक स्वर्ण मंदिर में जाकर रहने लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरल शाबेक भारतीय सेना में थे, अब वो भारतीय सेना के विरोध में आ गए थे क्योंकि उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उनके मन में गड़बड़ हो गई थी, मन बिचल गया और वो भिंडरावाले के साथ हो लिए। जनरल भिंडरावाले ने उन्हें स्वर्ण मंदिर के रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। 3 महीनों से अधिक समय तक वहाँ रहकर उन्होंने वो सब कुछ किया जिससे भारतीय सैनिकों का स्वर्ण मंदिर में घुसना काफ़ी मुश्किल हो जाए। जनरल भिंडरावाले के लिए स्वर्ण मंदिर उस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारतीय सेना ने जिंदा मुर्दा पकड़े जाने पर जनरल भिंडरावाले को जान से मारने की धमकी दी थी। प्रबल प्रताप सिंह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शाबेक सिंह गुरिल्ला टैक्टिक्स के ही होची मिन हैं, मतलब होची मिन एक वियतनाम के नेता हैं जिनके पास इस टाइप की टेक्निक थी लड़ने की। उन्होंने तोपखाने और मैन हॉल के नीचे अपने लड़ाकों को तैनात कर भारतीय सैनिकों के पैर को निशाना बनाने के लिए कहा था और माना जाता है कि 200-250 सैनिक भारतीय सैनिक घायल हो गए थे इसमें। उनकी जान नहीं गई पर वो घायल हो गए। ज़्यादातर भारतीय सैनिकों के पैरों में लगी, उनको पता ही नहीं था कि ये गोलियां कहां से आ रही हैं। सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अपने सर्वश्रेष्ठ कमांडो भेजे। सफ़ेद संगमरमर के बैकग्राउंड पर काले कपड़े पहनाकर भेजे थे। अंधेरे में वो तुरंत सिख अलगाववादियों की गोलियों का निशाना बन गए और धराशायी हो गए। तो काफ़ी टाइम लगा था भारतीय सेना को समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, उनकी हार कैसे हो रही है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनसे तेज तर्रार व्यक्ति वहाँ पर उन व्यक्तियों की सपोर्ट कर रहा है। बाद में भारत के सेना अध्यक्ष बने जनरल बीके सिंह ने अपनी आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन में लिखा कि मेजर जनरल शाबेक सिंह की देखरेख में स्वर्ण मंदिर की रक्षा की योजना तैयार की गई थी। सभी हथियारों को जमीन से कुछ ही इंच पर की दूरी पर लगाया गया था। इसका मतलब ये हुआ न सिर्फ आक्रामक बलों की पैर उखड़ गए थे बल्कि उनके रैंक कर आगे बढ़ने का भी विकल्प खत्म हो गया था। हमले से पहले जनरल बरार ने सादे कपड़े में स्वर्ण मंदिर के अंदर जाकर हालात का जायजा भी लिया, दूरबीन से सारा नज़ारा भी देखा और शाबेक ने उन्हें पहचान भी लिया लेकिन कोई हरकत नहीं की। बाद में वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के 4 जून 2014 के अंक में द ओडिसिटी ऑफ इनकम्पेंटेंस शीर्षक में लिखे लेख में कहा है कि भारतीय जनरलों ने इस बात की अनदेखी कर दी कि उनका मुकाबला अनाड़ियों से नहीं है बल्कि ऐसे लोगों से है जिनका नेतृत्व उन जैसा ही सख्त शख्स कर रहा है और वो शख्स अगर उनसे बेहतर नहीं है तो उनके बराबर जरूरत कम नहीं है। वो उन सब के साथ काम कर चुका है और उनसे बांग्लादेश की लड़ाई के समय मुक्त भाईने की योद्धाओं को ट्रेनिंग का काम कर चुका है। शेखर गुप्ता कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर की रक्षा में किसी बहुत बड़ी रणनीति या पुराने जमाने की छापामार लड़ाई का सहारा नहीं लिया गया था बल्कि वो किसी भवन का बटालियन स्तर के सैनिकों द्वारा किया गया सुनियोजित रक्षण था। उन्होंने एक फुटबॉल के मैदान के आधे के बराबर क्षेत्र को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था जहाँ से भारतीय सैनिकों को अपने आप को खुले में दिखते हुए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था। ये उनकी नज़र में पहले से तय किया गया किलिंग ग्राउंड था जिसे सेना की भाषा में ह्यूया कह सकते हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज कहा जाता है। अब शाबेक को ये गलतफहमी नहीं थी कि उनकी जीत होगी या नहीं होगी, वो जितना संभव हो भारतीय सैनिकों को हताहत करना चाहते थे ताकि वो अपरिहार्य को कुछ देर के लिए टाल सकें और सुबह होने तक वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए कि सैनिक कार्रवाई रोक देनी पड़े। अगर भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में टैंक नहीं भेजे होते तो वो अपने उद्देश्य को बहुत हद तक सफल कर लेते। हुआ क्या, जनरल कुलदीप सिंह बरार अपनी किताब में लिखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं कि हमें जनरल शाबेक सिंह का शव तहखाने में मिला था
मरने के बाद भी उन्होंने अपने हाथ में कार्बाइन पकड़ी हुई थी और उनका वॉकी टॉकी उनके सबके पास था। ये थी कहानी जनरल शाबेक सिंह की ब्लू स्टार तक की कहानी। जय हिंद, जय भारत।